नमस्कार, मैं निखिल अवस्थी। अपनी माटी के सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम आपको बीजामृत बनाने की विधि बताने जा रहे हैं। इसके अलावा मिट्टी जांच से लेकर किसान आंदोलन पर भी चर्चा होगी। अंत में चलेंगे कृषि विश्वविद्यालय, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं नौणी यूनिवर्सिटी, जहाँ विशेषज्ञ बता रहे हैं बीजामृत और जीवामृत खाने के तरीके। अपनी माटी के पास सैकड़ों किसानों ने जीवामृत बनाने की विधि पूछी थी। इस पर हमारी टीम ने नौणी यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जहां एक्सपर्ट ने कई अहम टिप्स दिए। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। लोग लगातार जीवामृत और बीजामृत को अपना रहे हैं। ऐसे हजारों किसान हैं जो जीवामृत तैयार करने की विधि नहीं जानते। इन्हीं किसानों की सुविधा के लिए अपनी माटी टीम ने नौणी यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल साइंटिस्ट सुभाष वर्मा से बात की। सुभाष वर्मा ने बताया कि जीवामृत बनाने के लिए हमें गोबर, गौमूत्र और पानी का घोल बनाना पड़ता है। इसमें गुड़ और बेसन भी मिलाया जाता है। करीब 48 घंटे के बाद जीवामृत बन जाता है। इससे 15 दिन के अंतराल में फसलों पर छिड़काव किया जा सकता है। जहां तक बीजामृत का सवाल है, तो इसे भी गोबर, गौमूत्र और चूने से तैयार किया जाता है। पौधों को लगाने के पहले आधे घंटे तक इसमें ट्रीट किया जाता है। अगर किसान इन नेचुरल चीजों को अपनाते हैं, तो आने वाले समय में खेती में बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, मैं आज को सुभाष पालेकर कृषि पद्धति के हिसाब से नया बगीचा लगाना है, तो पौधों को कैसे ट्रीट किया करके लगाना है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम आज बनाएंगे जीवामृत। जीवामृत बनाने के लिए हमें गोबर, गोमूत्र, पानी को मिक्स करेंगे और 48 घंटे के लिए। तो सबसे पहले अभी हम एक बाल्टी में पानी डालेंगे और उसके बाद उसमें गोमूत्र डालेंगे और उसमें फिर गोबर डालेंगे। गोबर डाल करके इसको हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम उसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ डालने के बाद 2 किलोग्राम बेसन डालेंगे। इन सभी चीज़ों को डाल करके मिक्स करेंगे और ये घोल हम 200 लीटर के लिए बनाएंगे, 200 लीटर पानी में। परंतु अभी हम दिखाने के लिए इसकी मात्रा हम कम बनाएंगे और 48 घंटे के लिए रख देंगे। और दिन में 3 बार इसको हमें घुमाना होता है, सुई की डायरेक्शन, घड़ी की सुई की डायरेक्शन में उस हिसाब से घुमा करके 48 घंटे के बाद ये हमारा तैयार हो जाता है। और फिर पौधों को हम इसको 10% के घोल के हिसाब से पौधों को या तो हम ड्रेंचिंग कर दें या इसका हम छिड़काव कर सकते हैं 10%। और उसके बाद इसको हम 15-15 दिन के बाद इसका हम रिपीट करते हैं। दूसरा अभी हम बनाएंगे बीजामृत। बीजामृत के लिए वही है, सिर्फ गोबर और गाय का गोमूत्र, पानी और उसमें हम चूना भी डालते हैं थोड़ा सा। इसको चूना भी डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे और इसको भी हम 48 घंटे के लिए रखते हैं। तो बीज 48 घंटे रखते हैं और पौधा लगाने से पहले हम पौधे को इस बीजामृत में ट्रीट कर लेते हैं। या तो सेब का पौधा या कोई बीज है, उसको हम कम से कम आधा घंटा के लिए इसमें हम डुबो के रखते हैं। इसमें डाल करके पौधे को ट्रीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम पौधों को अपने खेत में जहाँ पे भी लगाना है वहाँ पे हम इसको लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें घन जीवामृत तैयार करते हैं। ये भी एक तैयार करने की विधि है। इसमें हम गाय का गोबर और गोमूत्र मिक्स करके और एक बारीक सा पाउडर बना लेते हैं। इतना मिक्स करते हैं जिससे कि बाद में सुखा के बारीक पाउडर, फिर पौधा लगाते बार हम इसको डालते हैं। अब हम देखेंगे कि पौधा कैसे लगाते हैं। अब किसान भाइयों, अभी सेब का पौधा इस गड्ढे में हमने बनाया, इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो एक 3x3 फुट का एक गड्ढा बनाया था उसको भर दिया है। उस गड्ढे में अभी हम खोद के पौधा लगाएंगे, सेब का पौधा लगाएंगे। इस पौधे में लगाने के समय हम मिक्स करेंगे घन जीवामृत डालेंगे। और अभी जैसे हमारा इस पौधे की जो डिस्टेंस है उस हिसाब से इसमें 90 ग्राम जो है घन जीवामृत हम डालेंगे। घन जीवामृत डालने के बाद फिर हमें सेब का पौधा इसमें लगाएंगे। तो अब सेब का पौधा लगा करके इसको हम मिट्टी, इसमें पौधा लगाने का वही तरीका है जैसे हम दूसरे विधि से करते हैं, बस इसमें अभी हमने घन जीवामृत मिला करके और किया है। इसके बाद पौधा लगाने के बाद हम इसको जीवामृत से सींच देंगे। अभी
एक पौधे के लिए कम से कम 5 लीटर जीवामृत की आवश्यकता भी होती है। तो जीवामृत अभी हम इसमें डालेंगे, 5 लीटर जीवामृत एक पौधे में हम डालेंगे। जो जीवामृत है, जीवामृत में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या ज़्यादा होती है तथा ये पौधों की बढ़ोतरी में काम आता है। घन जीवामृत तो नाइट्रोजन का एक सोर्स है, ऑर्गेनिक मैटर का सोर्स है। दूसरा, सुहास पालेकर विधि में हम आच्छादन भी बिछाते हैं जिससे कि उसमें मिट्टी में नमी बनी रहे और उसमें केंचुओं की संख्या दूसरी की संख्या बढ़ती जाए। तो इस हिसाब से हम अगर कोई भी बगीचा लगाना है तो ये तरीका हम इसमें अपनाते हैं। इसके लिए जैसे हमने इस पौधे को पहले बीजामृत से ट्रीट करके लगाया है तो इससे क्या होता है कि जो बीजामृत है, अगर इस पौधे में कोई फफूंद, कोई बीमारी लगी है या इसमें कोई कीड़े हैं या मिट्टी में कोई पनपने वाला कीड़ा है तो उससे ये बीजामृत उसको उस बीमारी और कीड़े से इसको पौधे को सुरक्षित रखता है। अब आए पौधे के ऊपरी भाग में अगर कोई कीड़ा या बीमारी लगती है तो इसके लिए हमें पौध संरक्षण के लिए हमारे पास इसमें अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, द्रेक अस्त्र, नीमास्त्र और दसपर्णी अर्क, ये दवाइयाँ हैं जो कि पेड़ पौधे से तैयार की हुई है। उन दवाइयों को हम अल्टरनेटिवली इस पे छिड़काव कर सकते हैं। इससे जो है, और अगर कोई बीमारी आती है, अगर कोई बीमारी आती है तो हम खट्टी लस्सी का छिड़काव करते हैं और इससे जो है इनके छिड़काव से हम पौधे को कीड़ों और बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं और वह पौधा हमारा स्वस्थ होगा। काश सभी किसान और बागवान भाइयों को ये पता चल जाए कि उनकी ज़मीन में कौन सी फसल हो सकती है। ऐसा हो सकता है, ये बेहद आसान है। किसानों को मिट्टी की जांच के लिए मुहिम चल पड़ी है। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल खुद में कई विशेषताओं को समेटे हुए हैं। कहीं पहाड़ तो कहीं मैदान, कहीं बंजर जमीन है तो कहीं पलम। ऐसे में इस प्रदेश में मृदा परीक्षण का महत्व तो बढ़ जाता है, यानी जैसा इलाका उसमें वैसी ही फसल बीजी जाए। कृषि विभाग मृदा परीक्षण पर किसानों को जागरूक कर रहा है। अपनी माटी टीम ने कृषि विभाग की सूचना अधिकारी पुष्पा वर्मा से बात की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मृदा जांच के लिए 19 मोबाइल, 11 अचल व 47 मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की सुविधा दी गई है। इनमें किसान अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। सभी किसानों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। अगर किसान इस सुविधा का फायदा उठाते हैं तो उनकी फसल खराब नहीं होगी। देखिए, जो मृदा परीक्षण है वो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका जो मेन औचित्य है, मोटिव है, वो ये है कि किसानों को पता लगे कि उनकी खेत में जो मिट्टी है उसमें किस तत्व की कमी है या किस तत्व का जो है एक्सेस है, ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से मिट्टी परीक्षण के दौरान जो है ये सारा जितने भी हमारे मेजर और माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं NPK जो है वो पूरे फसलों को जो है अपने पूरे जीवन चक्र के दौरान इसकी आवश्यकता रहती है। तो ये बड़ा ज़रूरी रहता है कि ये उनकी जो किसान के खेत में जो मिट्टी है उसमें ये कितना मात्रा में उपलब्ध है और कितनी जो हम उनके फसल है उसके लिए कितनी ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंगली जब मिट्टी परीक्षण करते हैं हमारे अधिकारी तो फसल के मुताबिक जो है रिकमेंडेशन दी जाती है। और इससे क्या फ़ायदा होता है किसानों को कि जो उनके खेत में जितनी मात्रा में उपलब्ध है उस ही हिसाब से रिकमेंडेशन दी जाती है, ताकि वो ना ज़्यादा मात्रा में उसको डालें ना कम मात्रा में डालें। क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में किसान अप्लाई करता है न्यूट्रिएंट्स को, फर्टिलाइजर्स को, तो उसके जो जेब है उस पर बोझ पड़ता है, पैसा एक्सेस में खर्च होगा। और अगर कम मात्रा में डालता है तो कहीं ना कहीं फसल के लिए उस अनुपात में जो है न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, तो उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट फसल को जो मिल पाए, इसलिए जो है मृदा परीक्षण बहुत आवश्यक है। मौजूदा समय स्मार्ट खेती करने का है। बात चाहे मशीनों की हो या फिर खाद की, हर जगह तेजी से बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय ने नया प्रयास किया है।
प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में गोल्डन जुबली न्यूट्रिशन गार्डन स्थापित किया गया है। यह गार्डन 19 करोड़ रुपए की CAASTNAHEP परियोजना की पर्यावरण स्थिरता योजना की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें जमीन के छोटे से हिस्से पर व्यवस्थित तरीके से संरक्षित खेती और प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। इन बागीचों से लोगों को उनके घर द्वार पर पोषित आहार बन जाएगा। इन बागीचों से खाद्य सुरक्षा और लोगों की आय भी बढ़ेगी। अपनी माटी टीम के सीनियर जर्नलिस्ट जयदेव रिहान ने इस गार्डन क्षेत्र का दौरा किया। यह गार्डन 3250 वर्ग क्षेत्र में फैला है, जिसमें विभिन्न खाद्य प्रजातियों और औषधीय व सुगंधित पौधे शामिल होंगे। पहले चरण में इसमें सेब, आड़ू, पलम, खुमानी, अनार और जापानी फल के 21 पौधे लगाए जाएंगे और बाद में अन्य बूटे रोपे जाएंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति HK चौधरी ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने 2021 वर्ष को इंटरनेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ईयर घोषित किया है और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में हमें राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के अंतर्गत एक सतत पर्यावरण योजना और संरक्षित कृषि एवं प्राकृतिक खेती का महत्व जानते हुए उन्नत कृषि विज्ञान एवं तकनीकी केंद्र मिला है, जिसमें कि 19 करोड़ के लगभग राशि हमें वर्ल्ड बैंक और ICR के माध्यम से मिली है। इसी के अंतर्गत एक स्वर्ण जयंती पोषण उद्यान का आगाज विश्वविद्यालय ने किया, जिसको 7 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी ने कई दूसरे मंत्रियों के प्रेजेंस में उसका उद्घाटन किया और इसमें विभिन्न फलों को लगाने की हमारी योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेब का पौधा लगा करके इसका शुभारंभ किया और इसमें विभिन्न पौधे जो है और दूसरे फल जो है वो लगाए जाएंगे। इस तरह से ये मॉडल एक तैयार किया गया है, जिसमें वर्ष भर हमारे पहाड़ी किसानों को फल मिलते रहेंगे। इसके अंतर्गत जो जमीन बीच में बची रहेगी उसमें वो औषधीय पौधे या सब्जियां बीच में लगा सकते हैं। ये लघु किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक योजना पूरे प्रदेश में कामयाबी हासिल करेगी। धन्यवाद। बेशक केंद्र सरकार सिंगू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को छोटा समूह बनाने में जुटी है, लेकिन इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में भी आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है। देशव्यापी किसान आंदोलन हिमाचल में भी तेजी से बढ़ रहा है। तीनों नए किसान कानूनों के खिलाफ किसान जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। शिमला में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन कर अपना रोष जताया। इस दौरान सारी राजधानी नारों से गूंज उठी। इसी तरह सोलन में पुराने DC ऑफिस पर हुआ ये प्रदर्शन काफी कुछ बयां कर गया। किसानों का जोश देखते ही बन रहा था। दूसरी ओर जोगिंद्रनगर में किसानों का काफिला निकला तो आंदोलन के खिलाफ बात कर रहे लोग सोचने पर मजबूर हो गए। कुछ ऐसा ही नजारा ढालपुर का रहा। जिला मुख्यालयों से यह आंदोलन गांवों में भी खूब रंग दिखा रहा है। आइए सुनते हैं शहर से दूर करसोग इलाके के इस किसान की कृषि कानूनों पर राय। ये देखिए, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये जो सरकार है ये अडानी और अंबानी की सरकार है। ये अडानी और अंबानी को फायदा और मुनाफा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और आप देखिए, ये अभी बिल तो अभी आया कोरोना काल के बीच में, इतने जल्दी में आनन फानन में बिल लाए हैं। लेकिन जो अडानी साहब हैं, अंबानी साहब हैं, जो बड़े बड़े इस देश के उद्योगपति हैं, उनके तो बड़े बड़े कोल्ड स्टोर पिछले साल से बनने शुरू हो चुके थे। उनको कैसे मालूम कि देश के अंदर ऐसे ऐसे कानून आएंगे? इसका मतलब है कि देश की सरकार का कॉरपोरेट घरानों के साथ संबंध है और वो तय करते हैं कि देश के अंदर हमने कैसे कानून लाने हैं और कैसे जो है हमने और बड़ा जो उद्योगपति है उसका अपना मुनाफा कमाना है और किसान को लूटना है। गोपाल जी, आप हमें ये बताएं कि किसान को जो है वो आप संक्षेप में बताएं कि नुकसान क्या है। सीधा सीधा नुकसान ये है जनाब, देखिए आप अभी इसमें एक जिक्र किया है बीच में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है अनुबंध की खेती। वो एक कॉरपोरेट घराने के बीच में और किसानों के बीच में वो एक ऐसा अनुबंध करेंगे कि आप जो हमको ये जमीन दे दीजिए लीज पे और वो खेती करेंगे या जो फसलों के मूल्य का।
क्यों कोई किसान करेगा? सबसे पहला प्रश्न है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा क्यों? जमीन हमारी, इसके मालिक हमारे। एक छोटा सा उदाहरण समझने की कोशिश करिए, अगर मेरी जेब में ये देखिए, मैं आपको एक पेन दिखाता हूँ, इसको कोई कंपनी पैदा करती है इस पेन को, वो तो उस दिन इसमें MRP लगा देती है अपनी कंपनी के बाहर, निकलते कि 10 रुपए में बिकेगा, इससे कम तो बेचेंगे नहीं। अगर मैं आलू पैदा कर रहा हूँ, कणक पैदा कर रहा हूँ, मक्की पैदा कर रहा हूँ, कोई भी फसल मैं पैदा कर रहा हूँ, किसान जो उसमें लागत लगाता है, उसमें जो वो अपनी मेहनत लगाता है, उसके आधार पर उसको तय करने की इजाजत हो मूल्य। वो क्यों नहीं तय कर पाता है कि मेरी गेहूं जो है वो 20 रुपए किलो ही बिकती है, अभी तो 20 भी नहीं बिकी इस बार। मक्की जो है पिछले साल उसका 20 रुपए रेट जा रहा था, इस बार वो 13 रुपए में आ गया, नीचे को गिर गया, क्यों हम तय? और छोड़िए, हम दूध पैदा करते हैं, पानी की बोतल बाजार में 25 रुपए पर लीटर मिलती है, दूध जो है वो 20 रुपए लीटर नहीं जा रहा है, तो किसान क्यों नहीं तय करेगा? ये नुकसान है हमारे को, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं हो रहा। और मैं जो केंद्र की सरकार है, यदि वो सच में देश के किसानों की हितैषी है, और जैसे वो बात करती है, हम जो उसका वो इनकम ड्योडा या ढाई गुणा या उसको बढ़ाना चाहते हैं, क्यों नहीं वो क्या बोलते वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करती? ये प्रश्न है ना, इससे सीधा पता चलता है उनकी नीयत बिल्कुल नहीं है किसानों को मुनाफा देने की, नीयत है उनकी अंबानी और अडानी को और ज्यादा मुनाफा देने की। जैसे गोपाल जी कहा जाता है कि किसान को जो है इस किसान बिल जो है 3 है उसमें सीधा सीधा नुकसान है, आप हमें थोड़े जो है वो जानकारी दें, हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं कि जो नुकसान है उसमें मुख्य नुकसान क्या क्या होंगे? अपनी फसल नहीं बेच सकता है या? नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो उसमें उल्टा ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो है वो APMC हमारे यहाँ पर है, ये ऐसा कह रहे हैं उसमें कि हम जो है और ज्यादा खुलापन ला रहे हैं, किसान कहीं भी जाकर के बेचता, कहीं भी जाकर के वो जो है अपनी फसल बेच सकता है और खरीद भी सकता है। ये पता नहीं इनके सलाहकार कौन है जो इनको ये बोलते कि हमने ये सुविधा के लिए लाया किसान की। आप देखिए, मैं अब जिक्र करता हूँ, मेरे भनेरा का किसान है, मैं करसोग का यहाँ रहने वाला हूँ, भनेरा बिल्कुल 5-6 किलोमीटर दूर है। मैं दूध से उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरे वहां मैक्सिमम लोग दूध बेचते हैं, हम वहां दूध बेचते हैं, उसको जो गाड़ी वाला आता है ना खरीदने, उसको बेचते हैं, वो क्या लेता है, वो 18-18.5 से शुरू करता है, मैक्सिमम 22 रुपए तक, वो लूट है उसकी भी। वो बोलता है नहीं जी तेरे दूध में फैट कम है, ये कम है, वो कुछ नहीं, वो सारा एक वो ढकोसला है, गांव के जो सीधे साधे लोग हैं उनको ठगी ठोरी करते हैं। लेकिन जो कुछ एक लोग जो यहाँ आ जाते हैं करसोग में, वही जो अगर यहाँ ढाबे वालों को बेचता है, 30 रुपए में जाता है लीटर उसका दूध। आप देखिए, मना उस वाले को भी नहीं है करसोग के ढाबे में बेचने को जो वही बेचता है, लेकिन सबकी परिस्थितियां वैसी नहीं है। और दूसरी बात क्या है, जैसे बोल रहे हैं कहीं भी जाके बेचेंगे, मेरे पास सिर्फ 10 क्विंटल गेहूं है बेचने के लिए, मैं तो वहीं के स्थानीय लाले को ही बेचूंगा। अब 10 क्विंटल का बोझा उठा के अगर मैं पंजाब जाऊंगी, वहां ज्यादा महंगा बिकेगा, तो मेरे तो वो किराया नहीं वसूल कर पाऊंगा उसका पूरा। तो ये जो है ये ठगी ठोरी है, इसलिए इसका एक समान मूल्य तय करे, ये सबसे बड़ा नुकसान है, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं तय कर पा रही है। और दूसरा क्या है, ये जो बाजार का खुलापन ये बोल रहे हैं कि कहीं भी जाके बेचे, अरे खुलापन छोड़िए, आप हमको निश्चित करिए, हर जगह पर किसान के फल और अनाज मंडी तय करिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करिए, वहीं पर बेचेंगे हम। गोपाल जी, जो दिल्ली में अभी 2-3 दिन पहले जो एक घटना हुई है, जो किसानों को जो है कई प्रकार के आरोपों का सहन करना पड़ रहा है, उसमें जो झंडा फहराने को देश का जो अपमान बताया जा रहा है, उस पर आप अपनी राय रखें। ये देखिए, जो 26 जनवरी का प्रश्न है, 26 जनवरी को दिल्ली की राजधानी में, जो हमारा देश की राजधानी है, वहां पर किसान लोगों ने ट्रैक्टर परेड की, और ट्रैक्टर परेड में उसमें जो है ये कौन था वो आदमी जिसके नेतृत्व में वो लोग घुसे और झंडे लगाए? ये वो था, वो सन्नी देओल जो सांसद है भाजपा के, उनका दोस्त दीप सिद्धू, आज तक उसको पकड़ नहीं रहे। ये जो सरकार है ये जनता की आवाज को दबाने के लिए अपने लोगों को भेजती है और उनके जरिए ऐसी काली करतूते करती है, ये शर्म की बात है इस हिंदुस्तान के लिए। अरे ये वो किसान है जिनका बेटा सेना में जाकर के वो सीमा पे लड़ता है, किसान यहां लड़ रहा है, और ये जो है क्या कर रहे हैं, उन किसानों को बदनाम करने के लिए, उनके ऊपर जो है दागदार उनकी छवि करने के लिए, उनके ऊपर जो कीचड़ उछालने के लिए ऐसी घटिया हरकत कर रहे हैं। अरे किसान है जो इस देश की मिट्टी को सींचता है, जो इस देश को सींचता है, ये लोग है जो संसद के अंदर बैठ करके घटिया राजनीतिक चाले चलने के लिए अपने लोगों के जरिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इसलिए इसका जो मैं खंडन करता हूं और सरकार से जो है ये मांग भी करता हूं कि उस दीप सिद्धू को पकड़िए, कौन है उसको FIR करिए, उसको सजा दीजिए। और किसानों के साथ जिस तरह का ये बर्ताव कर रहे हैं, ये उनको पानी
कि वो छारे मार रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, गलत मुकदमे कर रहे हैं, अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, वो सरकार जो है अपने इन घटिया कदमों से पीछे हटे और सरकार जो है किसानों की मांग को माने, ताकि जो है किसान भी वापस लौट सके और सरकार भी अपने काम को सुचारू रूप से कर सके। गोपाल जी, ये भी ऐसा भी कहा जाता है कि जो देश के जो उद्योगपति घराने हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए कोई ये किसान बिल जो लाया गया है, ये तो सच्चाई है। ये जो अडानी अबानी है, इनके जरिए इस देश के अंदर किसानों का खून कैसे चूसना उसके लिए तो है ही, और क्या है। इसलिए ये जो अडानी अबानी को हम जो है नहीं चाहते कि इनके जरिए देश के किसान को लूटा जाए, इसीलिए तो आज किसान सड़कों पे है। और हम बार बार अपने देश की सरकार को यही बोलना चाह रहे हैं कि क्यों आप अडानी अबानी के हाथों देश को बेचना चाह रहे हैं। इस देश के किसानों ने देश सिंचाए, हमने बनाया, हमको तय करने दीजिए अपनी फसलों के दाम, हमारे पक्ष में कानून लाइए, सीधी सी बात है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आदरणीय गोपाल जी, धन्यवाद जी। बहरहाल किसान कानूनों का विरोध तेज हो गया है, आने वाले दिनों में इस आंदोलन का क्या होता है यह समय के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि यह अब तक का बड़ा आंदोलन है। और अब चलते चलते गर्मी बढ़ने के साथ ही गेहूं में लगा पीला रतुआ, वैज्ञानिकों ने दी प्रोपिकोनाजोल छिड़कने की सलाह। फलदार पौधों FYM और उर्वरक डाले बागवान, गुलदाउदी में डालें गोबर की खाद। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना का प्रचार तेज, हिमाचल में प्रोजेक्ट पर खर्च हो रहे 25 करोड़। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।